गाइस पिछले कुछ दिनों से नहीं नहीं कुछ हफ्तों से शायद कुछ महीनों से एक ही चीज खा रहे हैं, बिरयानी बिरयानी बिरयानी। लेकिन गाइस आज हम ऐसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे हम लोग फिर से खाएंगे बिरयानी। तो गाइस पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा था एक रेस्टोरेंट में जाने के लिए, वो है डानकुनी का फेमस दावत रेस्टोरेंट, जहाँ पे सुना है बिरयानी वगैरह बहुत ही धाकड़ मिलता है। तो क्या टेस्ट है, क्या सारा कुछ है, दाम वगैरह कैसा है, सारा कुछ आप लोगों को वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल बनाया चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते बहुत बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन रुको जरा सबर करो, उससे पहले बता दूं मैं हूं शक्ति और आप देख रहे हैं शमीम ब्लॉगर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम आ चुके हैं दावत रेस्टोरेंट के एम्बियंस में, और ये जो एम्बियंस देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा बड़ा है, यहाँ पे काफी सारे लोग एक बार में बैठ के खा सकते हैं और देखने में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। गाइस वैसे तो दिखने में ही लगेगा कि अरबियन स्टाइल का है, लेकिन वेस्ट बंगाल में है तो वेस्ट बंगाल का कल्चर को तो यहाँ पे दिखाया गया। यहाँ पे देख सकते हैं वॉल पे पूरा वेस्ट बंगाल का जो कल्चर है उसको थीम्स करके पूरा वॉल पे उतार दिया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस बहुत सारे रेस्टोरेंट में हम लोग जाते हैं जहाँ का एम्बियंस जो है बड़ा होता है, लेकिन सीटें जो है बहुत सारी होती है और बहुत पास पास होती है, जिससे इंसान कंफर्टेबल होकर बैठ के नहीं खा सकता। लेकिन यहाँ पे जो सीट वगैरह है वो बहुत दूर दूर है, और पूरा रेस्टोरेंट जो है फुली एयर कंडीशनर है भाई, तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, तो आप लोग यहाँ पे आके आराम से बैठ के खा सकते हैं भाई, एकदम कंफर्टेबल होके। तो गाइस ये है यहाँ का काउंटर और यहाँ पे एक भैया है, तो भैया से कुछ बातें कर लेंगे। तो भैया ये जो आपका दावत रेस्टोरेंट है ये कब से ओपन हुआ है? नेक्स्ट मंथ 27 में ओपन हुआ है। अच्छा, जो पिछला महीना गया 27 तारीख से। तो ये दावत रेस्टोरेंट का नाम दावत किस लिए कैसे रखा, क्या सोच के रखा? सर हम लोगों का एक्चुअली और भी ब्रांचेस है, जैसे हमारा मेन ब्रांचेस है आरामबाग, उसके बाद हो गया कमार कुकू तारकेश्वर और ये। तो गाइस यहाँ पे कुछ कस्टमर्स है, चलिए इनका रिव्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक भैया है, तो भैया आपने अभी क्या खाया है यहाँ पे? बिरयानी। बिरयानी कैसा लगा आपको? बिरयानी तो मस्त है। मस्त है, हाँ। तो चिकन बिरयानी लिया था आपने, तो आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? अभी आया, नया है ना। मतलब आज पहली बार आए, किससे पहले भी आए हैं आप? पहली बार आया। आज पहली बार आए, पहली बार आके आपको बिरयानी बहुत अच्छा लगा। तो गाइस खाना वाना खाने के बाद आप लोग तो हाथ वाथ तो धोते ही हो, तो आइएगा इधर हाथ धोने के लिए, और इधर देखिएगा बहुत अच्छा खूबसूरत एक तो मिरर दिखेगा, इधर आइएगा ऐसा खोल के रखिएगा, बाल बाल थोड़ा सेटिंग करिएगा, थोड़ा मुँह हाथ धोइएगा, एकदम साफ सुथरा होगा बाहर निकल जाइएगा। तो गाइस यहाँ से जो बाहर का नज़ारा है वो देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट NH2 का हाईवे दिखता है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और ये जो जाली जाली बनाया है ये एकदम अरबियन स्टाइल में बनाया है भाई। तो गाइस ये है किचन रूम में जाने का रास्ता, लेकिन यहाँ पे किचन के बाहर यहाँ पे देख सकते हैं आलू वगैरह छिला जा रहा है, जो कि एक भैया बहुत ही मेहनत से आलू वगैरह छिल रहे हैं। तो अभी चलते हैं अंदर और देख लेते हैं क्या क्या बन रहा है अंदर। तो गाइस किचन रूम में एंटर होते ही सबसे पहले हम लोगों को दिख गया यहाँ पे बिरयानी, जो कि मटन चिकन एक साथ ही बनता है। तो मटन का जो पीस है पर पीस 100 ग्राम है, और चिकन का जो पीस है वो 110-120 ग्राम के करीब है, और कलर वगैरह जो है बिरयानी का वो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी टेस्ट करेंगे हम लोग, राइस वगैरह जो है उबाला जा रहा है, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का राइस होता है, XXL राइस है, इसका नाम मैंने पहली बार सुना है। लेकिन जो चावल वगैरह है देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा पतला और बहुत ही लंबा लंबा है। किचन रूम तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और यहाँ पे काम करने वाला जो स्टाफ है वो भी बहुत सारे लोग हैं, और यहाँ पे पता नहीं चिकन वगैरह शायद बन रहा है, ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है भाई। और यहाँ पे बिरयानी में डालने के लिए दही वगैरह भी रखा गया है। तो गाइस आप लोगों को तो सब कुछ दिखा दिया क्या है और क्या नहीं है, तो चलिए आप खाने पे फोकस करते हैं। हाँ तुमको तो बस खाने की ही पड़ी है ना। चलो तो गाइस खाना तो बहुत कुछ दिया मेरे को, लेकिन सब कुछ का नाम मेरे को पता नहीं है, तो नाम आज बताएगा मेरा भैया। ये है पैन फ्राई चिकन, ये है पैन फ्राई चिकन स्टार्टर में, ये है चिकन सीख कबाब, ये है चिकन सीख कबाब, ये है मसाला कुलचा, ये है बटर नान, ये है स्पेशल मटन बिरयानी, और ये है तावा चिकन मसाला। तो गाइस बहुत दिन से सोचा था कि सऊदी अरब जाएंगे, वहाँ का जो अरबियन स्टाइल का खाना है वो सब खाएंगे और आप लोग रिव्यू देंगे, लेकिन भाई तकदीर में नहीं है, नहीं जा पाया, वो इच्छा आज पूरा हो गया डानकुनी में। तो गाइस सऊदी अरब जाने का जरूरत नहीं है, मेरा डानकुनी में ही सब कुछ मिल गया। वहाँ पर जो एक रेस्टोरेंट खुला है उसका नाम है दावत रेस्टोरेंट, वहाँ का खाना, वहाँ का एम्बियंस सब कुछ परफेक्ट, सब अरबियन स्टाइल है। तो चलिए दावत रेस्टोरेंट का खाना खाएंगे, आप लोगों को रिव्यू देंगे।
is I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my message is... तो गाइस सबसे पहले टेस्ट करेंगे पैन फ्राई चिकन स्टार्टर में, जो कि देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए ऊपर ड्राई फ्रूट दिया, कितना सुंदर सजा के दिया भाई, देखने में जो लग रहा है एकदम ओफ वाओ। चलिए आपको टेस्ट बता दे, स्टार्टर तो बहुत जगह खाया, इसके पहले पुष्पा रेस्टोरेंट में फिश का स्टार्टर खाया था, वो मेरे को अच्छा लगा था, और आज दावत रेस्टोरेंट में स्टार्टर खाया, ये मेरे को अच्छा लगा, परफेक्ट। आप टेस्ट करेंगे चिकन कबाब, भाई कबाब में तो चिकन का कोटिंग तो भाई बहुत अच्छा तरीके से एकदम परफेक्ट करके दिया। ओहो गाइस, चिकन मेरे को थोड़ा सा कम अच्छा लगा, चिकन और थोड़ा पक सकता था, चिकन कबाब जो था ये थोड़ा और पक सकता था, और थोड़ा पकेगा तो अच्छा ही लगेगा। लेकिन गाइस इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, मसाला फसाला एकदम परफेक्ट गया है, परफेक्ट है, लेकिन चिकन और थोड़ा पकेगा तो अच्छा लगेगा। गाइस आप टेस्ट करेंगे बटर नान, जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है, इसको खाएंगे और मजा करेंगे आप लोगों के साथ। ये एक तो ले लिया, तो चलिए थोड़ा इसको चिकन सीख कबाब के साथ टेस्ट करेंगे। ये ले लिया सीख कबाब, ये देखिए खाने का स्टाइल, ये थोड़ा सा लिया बटर नान और ये थोड़ा सा चिकन सीख कबाब, इसको तोड़ के और ये जो जाएगा ये, मुंह से एक ही शब्द निकल रहा है, वाह 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 क्या खाना है। गाइस आप टेस्ट करेंगे यहाँ का फेमस स्पेशल मटन बिरयानी, जिसका प्राइस है 320। और स्पेशल बिरयानी में क्या क्या मिला देखिए, पहले देखिए इसका क्वांटिटी, क्वांटिटी जो है शेयरवेल, दोनों आदमी बैठ के आराम से खा सकते हैं, आराम से पेट भर जाएगा। और ऊपर देखे कितना सुंदर सजा के दिया भाई, मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। और देख रहा हूँ इसको क्या क्या दिया, आलू तो मेरे को देख रहा है और मैं भी देख लिया आलू को, ये देखिए परफेक्ट साइज का एक तो आलू दिया है, वाओ एक तो अंडा, ये है मटन का जो पीस जो चुप के बैठा था, ये देखिए परफेक्ट हड्डी वाला रियाजी वाला पीस है, ये देखिए ऐसा कर रहा हूँ खुली जा रहा है ऑटोमेटिक। और एक ठो मिला है मटन का नल्ली वाला पीस, जो हर टाइम मेरा फेवरेट है, साहिब भाई का भी फेवरेट है और मेरा भी फेवरेट है। 320 रुपए के हिसाब से मटन का जो पीस है एकदम परफेक्ट, ज्यादा बड़ा है भाई, खाइएगा और मजा आ जाएगा आप लोगों को। और गाइस यहाँ पर और एक बात है, खाते खाते आपका आलू खत्म हो गया, राइस थोड़ा सा कम हो गया, आप इधर बोलिएगा आलू भी फ्री में मिलेगा, राइस भी फ्री में मिलेगा, तो फटाफट आइए इधर खाने का आनंद उठाइए। तो चलिए इसका टेस्ट बताते हैं, सबसे पहले राइस को दिखाता हूँ, राइस देखिए भाई एकदम लाइट ही, ऑयली नहीं है, एकदम लाइट लाइट ऐसा कर रहा हूँ, एकदम मिल्ट हो जा रहा है। तो चलिए थोड़ा राइस को टेस्ट करते हैं, ये थोड़ा सा राइस और ये जाएगा, परफेक्ट है। यहाँ पर बैठ कर आप सोचिएगा आरब का कुछ खाना खा रहा हूँ भाई, एकदम परफेक्ट, मेरे को परफेक्ट लगा। इतना दिन जो भी बिरयानी खाया, कुछ कुछ जगह अच्छा लगा, कुछ कुछ जगह खराब लगा, लेकिन दावत का बिरयानी परफेक्ट है, डानपुरी का सेरा बिरयानी एक नंबर। आप देखते हैं आलू को, ये देखिए आलू, गाइस ये थोड़ा सा और पक सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास सब चल जाता है, लेकिन भैया लोगों को बोल दूंगा और थोड़ा पकाने के लिए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा आलू को टेस्ट कर लेते हैं, आलू जैसा होना चाहिए, ऊपर से नमक थोड़ा सा और थोड़ा सा कलर देखें, इसको फ्राई करके छोड़ दिया, अंदर मसाला कुछ नहीं गया जैसा बोला। आप जो आखिरी में आप लोगों को दिखाएंगे नल्ली वाला मटन, ये देखिए कितना बड़ा साइज, बिग साइज रियाजी पीस है, देखिए ये देखिए, ये देखिए अंदर कितना पिंक है और कितना सॉफ्ट, कितना बढ़िया तरीके से बॉइल्ड हुआ है, देखिए देख रहे हो ना, एक ही हाथ से सब कुछ खुल जा रहा है। तो चलिए थोड़ा सा मटन को टेस्ट करते हैं, माशाल्लाह क्या खाया अल हबीबी, ओ हो गाइस वाओ। तो चलिए अब कॉम्बो बाइट देते हैं आप लोगों को, ये थोड़ा सा राइस, ये थोड़ा सा आलू और ये थोड़ा सा एकदम परफेक्ट वाला बॉइल्ड हुआ मटन, ये थोड़ा सा ले लेते हैं ऑनियन और इसके साथ दिया गया मेयोनीज, ये है ग्रीन चटनी, दादा बहुत स्टाइल आ गया। ये थोड़ा सा यहाँ पर लगा लेते हैं
अब ये सबको मिक्स करके और ये जो जाएगा एक तो बड़ा वाला कॉम्बो बाइट। बम है बम, आप लोगों को क्या बताऊं, बोलिए कहां से कैसे क्या बताऊं, एकदम परफेक्ट बम भाई। आप लोग फटाफट आइए, दानकुनी का भाई ये सब चीज नहीं खाइएगा तो क्या खाइएगा, हर जगह तो बिरयानी खाए, एक बार दानकुनी दावत में आइए और खाइए, खाके इसका मजा लीजिए, उसके बाद मेरे को बोलिएगा। तो भाई समीम भाई ने आप लोगों को तो सारा कुछ आइटम ट्राई करके बता दिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, और आखिर में मैं ट्राई करूंगा ये मसाला कुलचा जो कि देखने में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इसके साथ ट्राई करूंगा तवा चिकन मसाला। तवा चिकन जो मसाला है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इसको जो है गोभी के पत्ते में दिया गया, जो पत्ता गोभी होता है उसके ऊपर एकदम अच्छे से सर्व कर दिया गया है। तो भैया अभी मुझे देंगे और मैं इसको ट्राई करूंगा और आप लोगों को उसका टेस्ट बताऊंगा कि कैसा है। तो फाइनली गाइस ले लिया हम लोगों ने ये सारा कुछ, तो अभी इसको ले लेते हैं थोड़ा सा मसाला कुलचा। ओ भाई इसके अंदर देख सकते हैं भाई कितना सारा मसाला वगैरह भर भर के डाला गया है, जिसकी वजह से इसका नाम है मसाला कुलचा, और ऊपर से हींग वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं और अच्छे से गार्निशिंग करके दिया गया है, और ये बहुत ही ज़्यादा नरम है तो इसको खाने के बाद तो मज़ा ही आ जाएगा भाई। और इसके साथ ले लेते हैं थोड़ा सा तवा चिकन मसाला, और इसका ग्रेवी जो है देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा मसालेदार है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही अच्छा है, तो इसके साथ इसको थोड़ा सा ट्राई करते हैं। बेस्ट कॉम्बिनेशन है एकदम भाई, ये दोनों को एक साथ खाने में जो मजा आ रहा है आप लोगों को क्या ही बताऊं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, कोई अल्फाज नहीं है। खैर जो भी है खाना तो बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग भी यहाँ पे आइए और ये वाला कॉम्बिनेशन अवश्य ट्राई कीजिएगा। तो अभी हम खाने का एंजॉय करते हैं और आप लोग वीडियो को एंजॉय करिए। तो गाइस फाइनली हमारा खाना पीना सब कुछ कंप्लीट हो गया है, खाना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और ख़ास करके मैं बिरयानी को लेकर एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ का बिरयानी अच्छा नहीं है और वगैरह वगैरह, तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि भाई बिरयानी दो तरीके का होता है, एक मसालेदार और एक लाइट बिरयानी। तो यहाँ की जो बिरयानी है वो लाइट बिरयानी है, अब काफ़ी सारे लोगों को पसंद भी हो सकती है, काफ़ी सारे लोगों को नहीं भी पसंद हो सकती है, जो जैसा खाता है उसको वैसा ही अच्छा लगता है। तो गाइज चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और हम लोग यहाँ पे आखिरी में मिल चुका है मॉकटेल जिसका नाम है डेट ऑफ द स्काई, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है देखने में, अभी इसको पिएंगे और वीडियो को ख़त्म करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। तो गाइज हम लोगों ने बहुत सारा आइटम लिया था, तो उतना सारा हम लोगों ने खा नहीं पाया, तो यहाँ पे देख सकते हैं भैया जो है हम लोगों की मदद कर रहे हैं, यहाँ पे कंटेनर दे दिया भैया ने फ्री में, तो कोई भी अगर आता है खा नहीं पाता है, अगर वो पैक करा के ले जाना चाहता है, पार्सल कराना चाहता है, तो उसके लिए कंटेनर वगैरह जो है फ्री में मिल जाएगा। और गाइज जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का भाई कहीं भी जाता है तो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो ऑफर लाता ही है, तो इस बार आपके लिए यह ऑफर है कि अगर कोई भी बंदा हमारी वीडियो के थ्रू यहाँ पे आता है तो उसके लिए मॉकटेल फ्री, बिल्कुल फ्री।